मेरा एक दोस्त गैर मुस्लिम की दुकान में काम कर रहा है। उन्हें जब दुआ की दरख्वास्त करता तो अपने यजमान के लिए दुआ कराता, हमारे यजमान को भी दुआ करना हजरत में कि भाई हजरत यजमान किसी को मिले तो ऐसे मिले, हजरत कपड़े का दुकान है उसका, वो कपड़े का बोले तो वो बनीन वगैरह का ऐसा दुकान है, वहाँ पर काम करता है अल्लाह का बंदा। कहने लगा असर के बाद, अभी इफ्तार को पौना घंटा है, बोले तो ख़त्म दुकान, खुला चलता क्लोज, वो पट्टी डाल देता इफ्तार तक कोई बिजनेस नहीं। बेंगलुरु में है दुकान वो, ऐसे बहुत सारे लेंगे हमारे मुल्क के गैर मुस्लिम भाई, बराबर पूरा इफ्तार का दस्तरखान सजाता, रोजाना वो कहने लगा कि हमें चार पांच दुकान के नौकर ही हजरत उन्हें यजमान है हमारे साथ इफ्तार में बैठता, रोजाना 500-600 का आइटम इफ्तार में बराबर रखो, कहता खाओ खाओ खाओ, अरे तूने सिद्ध बात करता खाओ रे, सुबह से भूखे ही रोजा नहीं करे, खाए नहीं तो हमें डाउट करता हजरत रोजा नहीं क्या, पूछता उन्हें कितनी मोहब्बत है देखो उसे। हाँ, इसके बरखिलाफ एक मुसलमान मेरे दोस्त की शिकायत आई कि हजरत जोहर की नमाज को जाको देर से आया तो हमारा यजमान बोलता ऐसा सब रन्ना का तो रोजा थरनों को बा बोलता। अखलाक है ना, ये मजहब देखकर किसी के पास जाती नहीं, दिल देखकर जाती है। कई गैर मुस्लिमों के पास अखलाक सर चढ़कर बोलते हैं, तो वही मुसलमानों के अखलाक देखकर अखलाक को शर्म आती है।